आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी भी नहीं लगा सकते। मैं लोगों से सुनता हूं कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है, उसको जितने आने चाहिए उतने ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है एक्चुअली। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पे काम करना चालू करना चाहिए, और खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि पूरी दुनिया की अगर दौलत आप इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर रहे हैं और सब लोगों में बराबर बांट दें, 2 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बातें। लर्निंग, रीडिंग, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं यू हैव टू लर्न, पैसे कमाना चाहते हैं यू हैव टू लर्न, पर्सनैलिटी वाइज कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे, अगर आपको आज 50,000 रुपये महीना आ रहा है ना, तो आप 50,000 रुपये महीने वाली ही नॉलेज रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख रुपये महीना आए, तो दोस्त 2 लाख रुपये कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपये वाली नॉलेज इकट्ठा करो, 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। और मैं इसको बोलता हूं पर्सनल डेवलपमेंट, और मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूं, उसको मैं बोलता हूं वैल्यू मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट्स। इस जिंदगी में जो रिजल्ट है उसमें जो डिफरेंस पैदा करती है वो टाइम नहीं पैदा करता। आप ज्यादा टाइम में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा लें ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं सकते ना दोस्त। अब 1 घंटे में 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, 1 दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप काम कर सकते हैं क्या? किसी ने मुझसे कहा कि अगर हम ज्यादा समय काम कर सके तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो मैंने कहा भूल जाओ, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे क्योंकि 24 घंटे से ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। तो उसने बोला फिर कमाएंगे कैसे? तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा के। तो उसने बोला वैल्यू बढ़ा के कैसे? कैसे? किसी ने मुझसे पूछा कि यार मेरी गुजारा बड़ा कम चलता है, तो मैंने बोला गुजारा क्यों कम चलता है? उसने बोला यार आजकल नौकरी में मिलता है क्या है, सिर्फ 20,000 रुपये देती है कंपनी, सिर्फ कंपनी 20,000 रुपये देती है, तो उससे गुजारा कैसे चले, कंपनी बड़ी खराब है। मैंने कहा नहीं 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 तू बात को गलत बोल रहा है। तो उसने बोला गलत कैसे बोल रहा हूं? मैंने कहा 20,000 रुपये कंपनी देती है ये गलत है, ये बोल कि 20,000 रुपये कंपनी मुझको देती है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 रुपये भी मिलते होंगे, तेरी कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 1 लाख रुपए भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे की किसी को 2 लाख भी मिलते होंगे। इसका मतलब टाइम और पैसे का अनुपात गलत है, क्योंकि टाइम तो तुम सबने 8-8 घंटे दिए, तुझे 20,000 रुपए मिले, किसी को 2 लाख रुपए मिले। क्यों? क्योंकि तू 20,000 का वैल्यू का आदमी है और वो 2 लाख रुपए की वैल्यू का आदमी है। इसका मतलब टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ा के पैसे आएंगे। यस, सवाल ये आता है क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? तो जवाब आता है हां। क्या आप 8 ही घंटे में उतनी मेहनत में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? मैं बोलता हूं हां। क्या आप उसी 8 घंटे में डबल पैसे कमा सकते हैं, 4 गुना कमा सकते हैं, 10 गुना कमा सकते हैं? मैं कहता हूं आप 100 गुना पैसे कमा सकते हैं उसी 8 घंटे में, लेकिन पहले आपको 100 गुना अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। बिना वैल्यू बढ़ाए आप जिंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। आप इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें, 10 साल बाद समझें, 50 साल बाद समझें, मैं आपको याद आता रहूंगा कि बोलता ठीक था। यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज फर्स्ट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी जानकारी आपके पास 1 साल पहले थी उतनी ही जानकारी आज है। जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? और मजे की बात तो है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी अपने आप डल जाती हैबिट्स के साथ कुछ लोचा है। अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, बुरी अपने आप डलेंगी। सुबह सैर करने की आदत अच्छी आदत है, वो डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सैर नहीं करेंगे तो सैर ना करने की आदत अपने आप डल जाएगी, उसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ेगा। हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर, यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर एट ऑल। उसने कहा आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते, उसने कहा आप आदतें बना सकते हो और आदतें भविष्य बना सकते। रिच हैबिट्स विल लीड योर रिच लाइफ, पुअर हैबिट्स विल लीड योर पुअर लाइफ। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं। तो अगर आपको रईस बनना है तो सबसे पहले रिच हैबिट्स डेवलप करनी, और रिच हैबिट का सबसे पहला फिलॉसफी है यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर। आप जान के हैरान हो जाएंगे, बराक ओबामा ने अपनी दोनों बेटियों को एक कोर्स स्टार्ट कराया है, 3 महीने का वो कोर्स है, और उस कोर्स को बोलते हैं How to read a book fast? How to read a book? 3 महीने का कोर्स है कि किताब जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं।
आप ऐसी ऐसी किताबों के नाम सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। हाउ टू रीड अ बुक, ए बुक है, उसका टाइटल है हाउ टू रीड अ बुक, किताब को पढ़ना कैसे चाहिए, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी भी किताब, बोलता हूँ हाँ यस, और लोग पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है हाउ टू रीड अ बुक, साला 100 पन्ने की किताब है, उसमें हमारे मतलब का कैसा है वो कैसे निकालेंगे, सब कुछ तो मेरे आपके मतलब का नहीं हो सकता ना, आपके मेरे मतलब का कैसे वो ढूंढें कैसे, फालतू में 8 घंटा क्यों लगाएं, किताब है हाउ टू रीड अ बुक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, सब छोटी उम्र के लोग हैं, 20-23-24-25 साल के हैं दोस्त, अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं तो ये हैबिट आज आप गांठ मारते रहना, यू हैव टू बिकम अ गुड, कोशिश करो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ने की। मैं नहीं कह रहा कि बॉर स्टॉल वाली किताब खरीदो, यू कैन बाय एनी ऑफ द बुक, गूगल पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, बाय अ बुक, रीड अ बुक। और मैं जानता हूं आप नहीं पढ़ते, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, क्योंकि इस पूरी दुनिया का एक ही डेटा है 90% 10%, 90% लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, 10% पढ़ेंगे। 50 साल पहले भी डेटा यही था, 20 साल पहले भी ये था, 50 साल बाद भी यही रहेगा, 100 साल के बाद भी यही रहेगा। फेसेस विल चेंज, नंबर विल बी सेम, चेहरे बदल जाएंगे लेकिन रेशो यही रहेगा, 90% नहीं पढ़ेंगे, 10%। मैं चाहता हूं कि उस 90% में एटलीस्ट आप ना हो, बस आप उस 10% में रहें, मैं ऐसा चाहता हूं। जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे उनको ना पढ़ने दो, आप पढ़ो। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे उनको ना करने दो, आप करो। जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते उनको मत आने दो, लेकिन आप आओ। टाइम विल टेल द डिफरेंस आफ्टर 5, 10, 15, 20 ईयर्स। वो हैरान होंगे 10, 15, 20 साल के बाद कि आज भी उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आज भी उनको बहुत सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, और आपकी लाइफ 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद वाली किंग साइज हो सकती है बाय डेवलपिंग दीज लिटल हैबिट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, तो वहां से यहां तक का सफर में मैंने बहुत बदलाव किया अपनी जिंदगी के अंदर, और मजे की बात तो है कि आप बदल सकते हैं, आप चेंज हो सकते हैं। आप कोई पेड़ थोड़ी है नीम का, जो एक बार गड़ गए तो हिल नहीं सकते कहीं, कि चेंज नहीं कर सकते अपना स्थान। यू कैन चेंज। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बदल सकता है। तो सर्दी में सर्दी के हिसाब से रहता है, गर्मी में गर्मी के हिसाब से रहता है। बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। तो आप यहां भी बदल सकते हैं। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, बिकम अ गुड रीडर। मैं बड़ी खरी बात बोल रहा हूं आपको, ये जीवन में सिर्फ आपका हक होता तो आप जैसा चाहते वैसा जीते यार। इस जीवन पे अगर सिर्फ आपका हक होता तो आप जैसा चाहते वैसे जीते, लेकिन इस पे किसी और का भी अधिकार है। आपके जीवन पे आपकी मां, आपके बाप, आपके बच्चे, बहुत सारे लोगों का, और वो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोगों का कर्ज चुकाना है, बहुत सारे लोगों का कर्ज है हमारे ऊपर। बच्चे बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि बाप कुछ करेगा, बीवी बड़ी उम्मीद से देखती है कि साला पति कभी तो कुछ करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितना आप बड़े होते जा रहे हैं उतना आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? सोचिए उनका जिनका कर्ज आपको चुकाना है। आप अकेले नहीं है दोस्त, आपके पीछे बहुत सारी कतार है जिनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं आपसे। आप कैसे हार सकते हैं? आप कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? आपको नेगेटिव होने का कोई अधिकार नहीं है भाई। सोचिए उनका साहब जिनका कर्ज आपको चुकाना है, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स। अभी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके माँ बाप की ध्यान आपके अलावा साला कोई नहीं रखेगा। मैं क्यों रखूंगा आपके माँ बाप का ध्यान? मेरे माँ बाप का ध्यान तुम रखोगे नहीं ना, तो तुम्हारे माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा? कब रखोगे? उनके जाने के बाद? नहीं, उनके जाने से। इट इज अ राइट टाइम टू सर्व योर पेरेंट्स। नोबडी नोज कल क्या होगा, बेटर लेट देन नेवर। कड़वी बात है, इमोशनल है, दुख भी रहा होगा आपको सुन के शायद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जिंदा लोगों को अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर किसको समझ में आएगी? सोचिए जिनका कर्ज चुकाना है, सोचिए, खुद से सवाल करिए सब, हर रोज एवरी डे खुद से सवाल करिए। और सवाल होगा ये, आज का दिन आपने जिस तरह से जिया क्या वह आपके लक्ष्य की दिशा में था? सवाल करिए।
खुद से सवाल करिए, आस्क योरसेल्फ डेली, सवाल करिए खुद से, आज के दिन ऐसे कौन से दो काम थे जिन्हें मैंने अपनी पूरी लगन से किया, दो काम मैंने पूरी लगन से आज ये दो काम किए, सवाल पूछिए अपने आप से, नहीं पूछते तो पूछना शुरू करिए, ये सवाल आपको तंग करेंगे, साला मैंने तो आज ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपने 86,400 सेकंड का बलात्कार कर दिया, रिप्ड 86,400 सेकंड्स, सवाल पूछिए। तीसरा अपने आप से, आज कौन से ऐसे दो काम थे बहुत जरूरी जिसको मैं आप कर नहीं सका, मैं कर नहीं सका, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या ऐसे दो काम थे जिसको मैं करता तो यार कुछ अच्छा होता, आज आधा घंटा किताब पढ़ लेता यार, ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो पढ़ नहीं पाया, सवाल पूछिए अपने आप से, ये आज कौन सी गलती करी जिसको फिर नहीं करना है, गलती करना पाप नहीं है, दुनिया करती है, गलती दोहराना महापाप है, मेक अ मिस्टेक इज नॉट योर फॉल्ट, रिपीटेड मिस्टेक इज अ क्राइम, और इंसान एकमात्र ऐसा गधा है जो एक ही खड्डे में दोबारा गिरता है, गधे से बोल जाओ कि खड्डे में गिरना है तो बोला इसमें पहले गिर चुका, अगली बार उसमें गिरा दो, लेकिन आदमी एकमात्र ऐसा गधा है जो एक ही खड्डे में एक बार नहीं 50 बार गिरता है, हद हो गई, गधा भी समझदार है कि कभी कभी हमसे, कौन सी नई बात सीखी, ये 5 सवाल आपको रोज दोहराने हैं, 5 questions, आज कौन सी नई बात सीखी, बोला आज एक नई गाली सीखी, ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इन सब से कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ कुछ दिन मेरे लिए इसको कर ले, अगर आपको लगता है ये थ्योरी और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ कुछ दिन मेरे लिए इसको कर लें, गारंटी है फायदा हो के ना हो नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों का, यू विल नेवर बी इन अ लॉस, डू इट, लेट्स डू इट, आस्क योरसेल्फ दिस 5 क्वेश्चन एवरी डे, आपकी कमाई आप